इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो आइडियोलॉजीज थी, मॉडरेट्स जो बिलीव करते थे ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स में थ्रू पिटीशन स्पीच एंड पब्लिक मीटिंग्स, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट जो सेल्फ गवर्नमेंट बनाने में बिलीव करते थे थ्रू रेडिकल रिफॉर्म्स। 1885 से 1905 तक कांग्रेस में मॉडरेट्स की संख्या ज्यादा थी, दैट्स व्हाई इस फेस को मॉडरेट फेस बोला गया। अब 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है जिसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कांग्रेस इस मूवमेंट को सपोर्ट करे, पर मॉडरेट्स की सोच ये थी कि ब्रिटिशर्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, जिससे मॉडरेट्स काफी ज्यादा होपफुल थे कि इस एक्ट से पॉजिटिव रिफॉर्म्स ब्रिटिश सरकार ला सकती है, जिस वजह से मॉडरेट स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाह रहे थे। पर एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि स्वदेशी मूवमेंट एक नेशनल मूवमेंट बन सकता है और कांग्रेस को इसे जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और जब 1905 में वाराणसी सेशन होता है तो कांग्रेस स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट करने का अनाउंस करती है। तो इन सब इंस्टांसेस से एक डिवाइड बन गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। और 1907 में जब सूरत सेशन होता है तो कांग्रेस के दोनों ही ग्रुप अपने अपने कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और जीत इसमें मॉडरेट्स के कैंडिडेट की हुई। और सेशन के तुरंत बाद कांग्रेस स्प्लिट होती है और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं कांग्रेस से।